नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे आधार कार्ड की फोटोकॉपी को लेकर और उसके शेयर करने के तरीकों को लेकर, क्योंकि भारत सरकार ने एक कानून जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आप जो है अपना आधार कार्ड किसको और किस तरह से शेयर कर सकते हैं। केंद्र सरकार के आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है। सरकार की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि आप लोग अपने आधार कार्ड फोटो किसी के साथ भी साझा नहीं करें। सरकार ने बताया है कि इससे आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग होने की पूरी संभावना रहती है। हालांकि सरकार ने बाद में अपने इस बयान को वापस ले लिया। सरकार की तरफ से जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह बताया गया कि गलत अर्थ की संभावना के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। सरकार की तरफ से दूसरी बार जब जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि रिलीज की गलत व्याख्या की संभावना को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोटिस जारी कर बताया है कि आधार कार्ड धारकों को इसके इस्तेमाल और शेयर करने से पहले सामान्य विवेक का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि आपको खुद इस बात का निश्चय होना चाहिए, यानी कि इस बात की समझ होनी चाहिए कि आप जिसके साथ अपना आधार कार्ड और फोटो शेयर कर रहे हैं वहाँ पर जो है इसके कोई गलत इस्तेमाल ना हो, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी आपको इस बात की समझ होनी चाहिए। वह किसी के साथ भी आधार नंबर शेयर करने से पहले पूरी जांच कर लें। भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस नोट में देश के लोगों से यह अपील किया गया था कि अपने आधार फोटोकॉपी किसी व्यक्ति या संस्थान के साथ धड़ल्ले से साझा न करें। बता दें कि 27 मई को सरकार की तरफ से जारी अपडेट में यह कहा गया कि जिन संगठनों ने UIDAI के उपयोगकर्ता का लाइसेंस लिया है वो किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि होटल या फिर फिल्म जैसी निजी संस्थाएं आधार कार्ड की प्रतियां जमा नहीं कर सकती हैं। इस पूरे मामले को लेकर UIDAI के बेंगलोर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस नोट में आम जनता से किसी भी संगठन के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करने को कहा गया था। इसमें विकल्प के तौर पर आधार संख्या के अंतिम चार अंकों को प्रदर्शित करने वाले आधार का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इस दौरान मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि UIDAI की तरफ से जारी आधार कार्ड धारकों को केवल अपने आधार नंबर के इस्तेमाल एवं उसे दूसरे के साथ साझा करने में अपने विवेक का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। आधार के द्वारा हो रही विसंगतियों को लेकर भी यह कहा गया कि आधार के सत्यापन की व्यवस्था ने आधार की पहचान और उसकी गोपनीयता की रक्षा और सुरक्षा के लिए पूरे बंदोबस्त किए हैं। हम जिस तरह से अपने आधार का इस्तेमाल हर जगह आसानी से कर रहे हैं, ऐसे में अब हम सभी को खुद से सचेत होने की ज़रूरत है जिससे कि आप फ्रॉड से बच सकते हैं। इधर भारत सरकार ने भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति को संस्थान को आधार देने से पहले सोच लें या फिर उसकी पड़ताल कर लें, क्योंकि आधार से किसी भी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। जानिए मिक्स्ड आधार क्या है, मास्क आधार क्या है, जानिए मास्क आधार क्या है, यानी कि मास्क आधार जिसका जिक्र लगातार आगे हम करेंगे, इसका जिक्र जो है ऊपर के शब्दों में किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अब जो है मास्क आधार की यूज करने की ज़रूरत है। बता दें कि मास्क आधार एक ऐसा खास वर्जन है जिसे आधार नंबर के दुरुपयोग होने से बचाया जा सकता है। आधार का यह वर्जन आधार कार्ड को सुरक्षित बनाता है, साथ ही साथ यह आपके ई आधार कार्ड को भी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ यह सिर्फ चार अंक को दिखाता है। UIDAI के अनुसार मास्क आधार संख्या का मतलब है कि आधार संख्या से पहले चार अंकों को छुपाता है, जबकि आधार संख्या में आखिरी के चार अंक दिखाई देता है। तो एक तरह से कह लें कि मास्क आधार जो है, जिस तरह से हम आधार का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, हर जगह हम आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है बचाने के लिए ये मास्क आधारित जो है आधार कार्ड अब चलन में शुरू हो गया है। भारत सरकार ने आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब कमोबेश बैंकिंग सेवा की अगर हम बात कर लें तो उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है, और ऐसे में जो है अब बैंकिंग सेवा में पैसे को लेकर जो है एक बड़ी समस्या सामने आई थी जिसमें KYC और उसके बाद गलत तरीके से पैसे निकालने के मामले भी कई सामने आए हैं। ऐसे में मास्क आधारित आधार कार्ड की जो है परिकल्पना भारत सरकार की तरफ से की गई है जिससे कि लोगों का जो है पैसा सुरक्षित रह सके और उनके जो है डॉक्यूमेंट भी सुरक्षित रह सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।